हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केरला रसोई। आज का हमारा रेसिपी है आम का अचार केरला स्टाइल में। ये बहुत जल्दी बना सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आइए देखिए वीडियो में ये कैसे बनाया है। इधर मैंने फ्रेश आम लिया है, कच्चा आम, और इसको धो के साफ करके रखा है। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और उसको इसी तरह काट दीजिए। ऐसे काटने के बाद एक एक पीस लेना और इसे पतला सा काट दीजिए। ये ज़्यादा दिन रखने का नहीं है, वो मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर ये यूज़ करना है, इसलिए मैं बहुत कम बनाया और इसी तरह पूरा छोटा से काट दिया। और ये सरसों का तेल है, इसको गर्म कर दिया। 2 चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें देना है 2 लाल मिर्च और सरसों। सरसों चिटक गया, इसी टाइम स्टाव ऑफ कर दीजिए। वही गर्म तेल में हमें देना है 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, साथ में दीजिए ये कश्मीरी चिल्ली पाउडर है, 2 चम्मच कश्मीरी चिल्ली पाउडर। दोनों अच्छे से तेल में मिक्स कर दीजिए ताकि ये दोनों थोड़ा गर्म हो जाएगा। और इसके बाद देना है ये मेथी का पाउडर है, ये 1/2 से भी कम 1/4 टीस्पून देना है मेथी का पाउडर, और साथ में थोड़ा सा हींग का पाउडर, और नमक भी इसी टाइम देना है। 1 चम्मच नमक दिया, और जो आम काट के रखा था वो भी इसी टाइम दे के अच्छे से मिक्स करना है। अभी स्टोव ऑफ है, ऑन नहीं करना। वही गरम तेल के साथ नमक आम ये सब मिक्स हो जाएगा और 2 घंटे इसको ऐसे छोड़ दीजिए। 2 घंटे के बाद देखिए अभी अचार कितना टेस्टी हो गया। ये खाने में बहुत ईजी है और आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। आज का मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।